हेलो एवरीवन, आईआईटीएन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी जो खबर आई है, जो मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, और साथ में रात में 11:30 बजे एक और खबर निकल के आने वाली है, तो वो भी आपका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट खबरें होने वाली हैं, और साथ में कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, तो ये खबर है मार्केट को ऊपर नीचे बहुत बड़ा कर सकती हैं। तो वीडियो में आपको चलता हूँ और आपको बता देता हूँ कि कौन सी खबरें हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में हिंडाल्को और इंडिया सीमेंट के रिजल्ट्स भी आए हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। तो चलते हैं वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर एवरीडे मॉर्निंग में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, और वहां पे इंट्राडे की कॉल्स और न्यूज भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कीजिएगा। अब चलते हैं जो पहली न्यूज है उसके ऊपर। तो सबसे पहली जो खबर है वो मैं आपको बता देता हूं, अमेरिका से है, डेट सीलिंग की। डेट सीलिंग के अंदर जो बैठक होनी थी वो हो चुकी है, और यहां पे जो डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स हैं दोनों आपस में बात कर रहे थे, और एक दो दिन पहले तक ये लग रहा था कि ये बढ़ जाएगी। हालांकि ये फाइनली बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन अभी मार्केट के अंदर ये बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। जो बैठक हुई थी वो बेनतीजा साबित हो गई है, कुछ भी रिजल्ट्स नहीं निकल के आया है, कर्ज सीमा बढ़ाने को लेकर कोई डील नहीं हो पाई है, और ये इस वजह से आप देखोगे कि कल रात में भी अमेरिका का मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। आईटी जो नैस्डैक है वो भी गिर गया था। अब यहाँ पे कर्ज सीमा बढ़ाने की डेडलाइन है वो 1 जून तक रखी गई है। अगर 1 जून तक ये डेड लाइन है वो यहाँ पे कर्ज सीमा या डेड सीलिंग है वो नहीं बढ़ाई जाती है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट हो जाएगी और कर्ज यहाँ पे हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी मतलब ख़राब न्यूज़ हो जाएगी अमेरिका के लिए, और अमेरिका के मार्केट के लिए, और पूरे अपने इंडियन मार्केट के लिए भी। तो इसके ऊपर एक दो दिन के अंदर डिसीजन आता है तो वो ठीक होगा, आगे इसके ऊपर क्या होगा वो हम बता दूंगा। अब चलते हैं जो नेक्स्ट न्यूज है। तो यहाँ पे यूएस फेड के जो मिनट्स हैं वो भी जारी होने वाले हैं रात में 11:30 बजे। आपको मैं बता देता हूँ कि जो मिनट्स हैं उसके अंदर इंटरेस्ट रेट के ऊपर कितने 18 में से लोगों ने क्या क्या कहा है पूरी डिटेल के अंदर आएगा, और आगे उनका क्या व्यू रहने वाला है, तो वो सब चीज़ें अपने को जानने को मिलेंगी। तो रात में अपने इंडियन मार्केट के हिसाब से 11:30 बजे ये मिनट्स हैं वो जारी होंगे। तो ये आपको मैं कल अपडेट कर दूंगा कि किस प्रकार के वहाँ के मिनट्स हैं वो जारी हुए हैं, और इंटरेस्ट रेट हैं उसका आगे जो जेरोम पावेल साहब हैं वो बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। अब यूके के अप्रैल के सीपीआई के डेटा भी यहाँ पे आने वाले थे, जो यहां पे मैं आपको बता देता हूं वो आ चुके हैं, ठीक है, वो डेटा आ चुके हैं। यहां पे वो डेटा की मैं बात करूं तो 24 मई है, और यहां पे मार्केट नहीं, वहाँ की गवर्नमेंट है, उसने यहाँ पे फोरकास्ट किया था 8.3% इन्फ्लेशन आने वाली है, उसके बजाय यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ के आई है 8.7%। पिछले बार 10.1% थी, हालांकि पिछले बार से ये घट के आई है, यहाँ पे आप हर मंथ के हिसाब से देख सकते हो घट के आई है पिछले बार से 10.1 से, लेकिन यहाँ पे फोरकास्ट किया था उससे थोड़ा सा बढ़ के आई है। जो यहाँ पे फोरकास्ट किया हुआ था, अज्यूम किया गया था, वो 8.3 का था। तो इससे क्या हुआ, वहाँ के जो सेंट्रल बैंक हैं वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के ऊपर, जो पहले भी आपको मैं बता देता हूँ कि यूके के जो सेंट्रल बैंक हैं वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने पे ही तुले हुए थे और घटाने की तो बात ही नहीं कर रहे थे, और यहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे फोरकास्ट से ज़्यादा आ गई है, तो वो ये पक्का बढ़ाएंगे, और ये एक नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। अब जो ये दो बड़ी न्यूज़ होगी, एक तो ये वाली जो अभी मैंने बताई, और साथ में रात में 11:30 बजे यूएस फेड के जो मिनट्स जारी होंगे वो इम्पोर्टेंट डेटा होगा, और वहाँ से जो डाउ है और वो नैस्डैक है वो अपने को साइन भी मिलेंगे कल मॉर्निंग के अंदर। अब चलते हैं जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसके ऊपर। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी की आज सीआईआई के अंदर यहाँ पे जो बयान था या मीटिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ थे, और उन्होंने ब्याज दरों के ऊपर कहा है कि ब्याज दरों में बदलाव हमारे नियंत्रण में नहीं है, स्थिति के मुताबिक एमपीसी दरों में फैसला लेती है। तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौजूदा साल में ग्रोथ है वो ग्लोबल ग्रोथ है, उसमें भारत की हिस्सेदारी 15% की बात कर रहे हैं, और FY23 में इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 7% से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव ही चीज़ें, कोई खराब चीज नहीं है। अब चलते हैं जो यहाँ पे हिंडाल्को के रिजल्ट्स आए हैं। हिंडाल्को के रिजल्ट्स हैं वो अच्छे खासे रिजल्ट्स आए हैं, कंपैरिजन करके देखोगे तो आप जो रेवेन्यू फ्रंट पे देख लो, एबिटा के जो है उसमें देख लो, एबिटा मार्जिन्स पे और नेट प्रॉफिट में, ये यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहा था ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से मार्केट, और यहाँ पे एक्चुअल जो रिजल्ट्स हैं ये आए हैं, तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट जो रिजल्ट्स हैं वो है इंडिया सीमेंट के। इंडिया सीमेंट के रिजल्ट्स हैं वो आप
हर फ्रंट से देखोगे तो ये खराब रिजल्ट्स ही हैं। ये मार्केट की जो ब्लूमबर्ग की एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से और इसके जो रिजल्ट्स आए हैं ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हर चीज़ रेवेन्यू डाउन हो गया है, एबिटा डाउन हो गया है, प्रॉफिट डाउन हो गया है। प्रॉफिट तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नीचे आया है, एबिटा भी बहुत ज़्यादा घट के आया है। तो ये यहाँ पे इंडिया सीमेंट्स के रिजल्ट्स हैं, वो खराब रिजल्ट्स आए हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में जो जानकारी दी गई है और जो रिजल्ट्स बताए गए हैं आपको पसंद आए होंगे, इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के अकाउंट ओपन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।